बिहार की रहने वाली 16 वर्षीय बालिका भटककर सोमवार को गोरखपुर पहुंच गई थी। स्कूली ड्रेस में भटक रही लड़की को देखकर महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह को कुछ शक हुआ तो उन्होंने लड़की से उसके घर का नाम पूछा तो उसने अपने आप को बिहार का निवासी बताया और भटककर गोरखपुर में आने की बात बताई, जिसके बाद महिला थाना प्रभारी ने बिहार पुलिस से संपर्क कर गायब बच्ची के माता पिता को खोज निकाला और बच्ची के परिजनों को इसकी सूचना दी गई। शाम करीब 6:30 बजे बच्ची के पिता और भाई महिला थाने पर पहुंचे और अपनी लड़की को सुरक्षित देखकर अपनी खुशी जाहिर करते हुए गोरखपुर पुलिस के साथ साथ महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह को धन्यवाद देते हुए उनकी प्रशंसा की। संबंध में बात करते हुए महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह ने बताया कि बिहार के गोपालगंज थाना के बड़हरा गांव निवासी जयराम पांडे 16 वर्षीय पुत्री घर से स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन भटक कर गोरखपुर पहुंच गई, जिसको सकुशल अपने ऑफिस में बैठाकर बिहार पुलिस से संपर्क कर उसका नाम पता ज्ञात कर उनके परिजनों को बुलाकर लड़की को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह ने कहा, निक्की पांडे कहाँ गया है? ये कौन है? ये कौन है? दोनों लोग इधर बोलो। किसके साथ भाग के आई हो? नहीं, भाग के नहीं आई हूँ। वही पुलिस यहाँ पे लेके आई? ये कौन है? ये कौन है पीछे? एक लड़की बिहार जो गोपालगंज की रहने वाली थी, वो भटकते हुए स्कूल गई थी, भटकते हुए यहाँ गोरखपुर में आ गई थी। रेलवे स्टेशन के पास भटक रही थी, उसको हम लोगों ने देखा, फिर थाने पर ले आए। उसके पास परिजन का नंबर नहीं था, बस गांव के नाम से वहाँ पे पुलिस को संपर्क किया गया, उसके घर पे भेजा गया, पिता से बात करके उन लोगों को बुलाया गया और उसको सुपुर्दगी उसके पिता को दे दी गई। शाम को 6:30 बजे करीब उसके पिताजी आए थे और उसका भाई भी आया था, वो लोग अपने साथ लेकर गए। ये लड़की जो है सुबह अपने घर से स्कूल के लिए निकली थी, कक्षा 6 की छात्रा है, और स्कूल जाते वक्त रास्ते में उसे कोई मिला जो बहका के दूसरी तरफ ले गया होगा और वो भटकते हुए अपना घर ढूंढते हुए इधर चली आई थी। ये आज सुबह ही निकली थी अपने घर से, लड़की ने भी यही बताया है, उसके परिजन भी बता रहे थे कि आज सुबह वो स्कूल के लिए निकली थी, स्कूल नहीं गई। जब उनको सूचना मिली कि लड़की गोरखपुर में है तो वो आकर अपनी लड़की को यहाँ से सकुशल ले गए।